घर घर जाकर लोगों पर दबाव बनाया जा रहा है कि वो पोस्टमार्टम ना कराएं और जाकर सीधे जला दें। जहां भी जहरीली शराब से मौत हुई है उन सभी मामलों में मृतक परिवारों को 4 लाख का मुआवजा दिया जाए। 22 से ज़्यादा दलित पिछड़े वर्ग के गरीब लोगों की जहरीली शराब पीने से मौत हो गई। अब छपरा के बाद पूर्वी चंपारण के तुरकौलिया, हरसिद्धि, सुगौली, पहाड़पुर 4 थाना क्षेत्र में 22 से ज़्यादा दलित पिछड़े वर्ग के गरीब लोगों की जहरीली शराब पीने से मौत हो गई। सरकार आंकड़ों को छिपा रही है, घर घर जाकर लोगों पर दबाव बनाया जा रहा है कि वो पोस्टमार्टम ना कराएं और जाकर सीधे जला दें। अस्पताल में कोई इलाज की व्यवस्था नहीं है, अन्यथा कम से कम आधे से ज़्यादा लोगों को बचाया जा सकता था। छपरा की घटना के बाद मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी कि सर्वदलीय बैठक बुलाकर और जहरीली शराब से मरने वाले लोगों को 4 लाख रुपया मुआवजा देने के बारे में सरकार निर्णय करेगी। मैं सरकार से मांग करता हूँ कि अविलंब बैठक बुलाई जाए और छपरा से लेकर पूर्वी चंपारण जहाँ भी जहरीली शराब से मौत हुई है उन सभी मामलों में मृतक परिवारों को 4 लाख का मुआवजा दिया जाए। साथ ही पटना हाईकोर्ट ने कहा था कि एक मानक प्रक्रिया निर्धारित होनी चाहिए कि जो लोग शराब पीकर, जो जहरीली शराब पीकर जो अस्पताल में आते हैं इलाज के लिए, उसके इलाज की एक प्रक्रिया निर्धारित होनी चाहिए। मानवाधिकार आयोग ने भी 4 लाख रुपया देने का निर्देश दिया था। इसलिए मैं बिहार के मुख्यमंत्री से अपील करूंगा कि तत्काल सर्वदलीय बैठक बुलाएं और आंकड़ों को छिपाया नहीं जाए और सभी मृतक परिवारों को 4 लाख का मुआवजा दें।